हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो हमारे पास ये है, जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, क्या ऑब्जर्व किया गया, लाइक ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अबाउट मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। दिस इज आवर्स एटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है हमारे पास। क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन हमारे पास जो है एक्चुअल में क्या मिला, मास ऑफ जो है न्यूक्लियस का मास, और जब मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास था उससे एक्चुअल में कम होता है। कितना कम होता है, तो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस इज लेस देन सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब हमारे पास न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस बनता है, बाउंड सिस्टम हो जाता है, बाउंड सिस्टम। और यहां पर किसका रोल आता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो जैसे ही न्यूक्लियस बना, बाउंड सिस्टम हुआ, वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो है बाउंड हो गए हमारे पास न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, या मास, पहले हम मास की बात करेंगे, मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है जो है एज कंपेयर टू जब हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या थे, इंडिविजुअल फ्री स्टेट में थे, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा कम हो गया। तो इस मास, जो लेस मास है, इस मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो एक्चुअल में मास डिफेक्ट क्या हुआ हमारे पास, जो है एक्चुअल में मास डिफेक्ट क्या फॉर्मूला हुआ, कोई भी जो है न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड क्या रह गई, न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो हमारे पास न्यूक्लियस का मास है। तो एम पी क्या है हम डिफाइन करेंगे, वेयर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एम पी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां से हम एनर्जी, ये तो हमारे पास क्या था, डेल्टा एम जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट को। अब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहें कि हमारे पास जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, जो न्यूक्लियॉन्स को बांधे हुए है न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम हमारे पास ये है, तो क्या बन गई बाइंडिंग एनर्जी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो है मास ऑफ न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, इंटू में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू सी स्क्वायर जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ए कोमा जेड इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन हम अगर एटम की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो एटम्स का मास बाइंडिंग एनर्जी हम एटम्स की भी निकाल सकते हैं। दिस इज आवर्स न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हमारे पास पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम समझने के लिए कि न्यूक्लियर बाइंड डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होता है, वन प्रोटोन होता है प्लस वन इलेक्ट्रॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है 1H1 में। तो जो ही इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किस वजह से होती है, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल मास क्या रहेगा, इससे लेस रहेगा कुछ ना कुछ, किसकी वजह से, जब उसने एटम न्यूक्लियस बन गया तो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, लेस देन मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दिस इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आती है जो बात करें हम एटम की निकालें, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो हमारे पास क्या है, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो हमारे पास क्या होती है, कुछ 939.5 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है प्रोटॉन की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है न्यूक्लियस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज नियर अबाउट इक्वल टू हमारे पास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम दोनों को कंपेयर करें, एटम की और न्यूक्लियस की क्या डिफरेंस है, दिस इज नियर अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज very much less than binding energy of hydrogen atom. ये तो है near about 10 electron volt, और ये क्या है 940 mega electron volt. In case इसको 1000 ही consider कर लें तो 10^3 into 10^6 electron volt hydrogen atom की binding energy, तो ये हो गई 10^9 electron volt, और ये क्या है nucleus की 10 electron volt. तो कितनी हो गई nucleus की, देखे तो 10^9 by 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे तो न्यूक्लियस की इतनी कम एनर्जी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो ये तो हमें पता चला कि जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एटम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है। इसके बाद हम देख रहे थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हम निकाल चुके हैं और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हम एटम निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमने क्या पता किया कि जो है एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी मच लेस देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब हम एटॉम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाली हुई है, इसको एटम जो है एटम के लिए ट्राई करते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ, पहले तो मास ऑफ एटम ही देखेंगे हम क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप किससे दिखाते हैं, जेड से, तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें, एटम की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें हम, जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी चल रही थी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, क्या करेंगे हम, जेड इंटू एम ई को तो ऐड कर देंगे और माइनस जेड इंटू एम ई, ऐड भी किया हमने और सब्ट्रैक्ट भी किया इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से क्या ले सकते हैं, जेड कॉमन है एम पी प्लस एम ई में, जेड इंटू एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड इंटू एम इंटू एन माइनस ये दोनों टर्म्स एम इंटू ए जेड प्लस जेड इंटू एम ई और इंटू में क्या है हमारे पास सी स्क्वायर। लेकिन जो है हाइड्रोजन एटम की अभी बात कर रहे थे, उसमें क्या था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से लिख सकते जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेयर एम एच क्या है हमारे पास एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इंटू एम एन माइनस ये मास ऑफ न्यूक्लियस था एक्चुअल और प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो है कंट्रीब्यूशन हो गया मिल गया, तो हमारे पास क्या बन गया कैपिटल एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर, यही आ गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम्स। तो अब हम निकालने की कोशिश करें जो है, तो हमारे पास यहाँ जनरली हम अपनी जो है बाइंडिंग एनर्जी एटम की निकालेंगे, वो एटॉमिक मासेस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये बेसिकली हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ही लेके चले थे, उसमें कॉमन टर्म ऐड किया हमने जेड इंटू एम ई माइनस जेड इंटू एम ई, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियन की निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल क्या है उस न्यूक्लियस की डिवाइडेड बाय उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है। और जो है कैपिटल ए, तो हमारे पास जो है ये क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम इंटू ए जेड इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए, और ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस तरह से हम अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद ए, लेकिन इससे पहले हम अपना जो है इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी बाइंडिंग एनर्जी किसकी टर्म्स में निकाल चुके हैं, मास ऑफ एटम की टर्म्स में, दिस इज आवर्स मास ऑफ एटम जिसमें न्यूक्लियस का मास भी है प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मास भी है, तो एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम एटॉमिक मासेस की टर्म्स में, जो फॉर्मूला आया हुआ है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर निकल जिसमें एटॉमिक मास 64 है और जो एटॉमिक नंबर 28 है, हैविंग इसका मास दिया हुआ है 63.9280 एटॉमिक मास यूनिट, गिवन दैट जेड इज इक्वल टू 28, ए इज इक्वल टू 64, मास ऑफ प्रोटोन है वो 1.007825 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट, MN का है जो 1.008665 AMU। तो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, Z इक्वल टू 28, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए A माइनस Z, 64 माइनस 28 कितना रह गया 36,
अब यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालिए एटॉमिक मासेस के टर्म्स में, क्या हो गया जेड इंटू, जो सबसे पहले फॉर्मूला यूज है वो लगाइए, मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड जो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन है एम एन, माइनस जो है मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है हमारे पास, और इंटू में क्या हो जाएगा सी स्केयर। लेकिन हम देखने वाले हैं यहाँ से अभी जो है ई एम यू में यूज़ करें हैं, जैसे सी स्केयर से करेंगे ए एम यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम ई में, एम ई वी में, तो ओवरऑल मासेस का डिफरेंस लेके उसको 938 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो निकालिए आप, जेड है 28 इंटू मास ऑफ प्रोटोन है 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन है 36 इंटू 1.008665 माइनस 63.9280 AMU, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जो है 2191 प्लस 64.53104 माइनस 63.9280, और AMU को जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें याद रखना है कन्वर्जन, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहीं से ये जो मास का डिफरेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इट कम्स आउट टू बी 561.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज जस्ट आवर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो वो क्या हो जाएगा टोटल मास नंबर से डिवाइड कर दोगे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है सिस्टम में, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं कैपिटल ए, तो 561.7/64 एंड इट कम्स आउट टू बी 8.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।